Now this is something big. FIR has been filed against Mithun Chakravarti's wife and son for rape and cheating. Let's have a look at the complete story. मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाक्षय और वाइफ योगिता बाली के खिलाफ फाइल की गई एफआईआर। सोर्सेस का कहना है कि एक लड़की ने मिथुन के बेटे पर रेप और चीटिंग का एलिगेशन लगाया है। इस लड़की का ये भी कहना है कि खुद मिथुन और योगिता बाली ने उन्हें धमकी दी है। हम आपको बता दें, मिथुन के बेटे महाक्षय की शादी 7 जुलाई को होने वाली थी और उससे ठीक पहले ये केस सामने आया है। रोहिणी कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले में महाक्षय के खिलाफ केस फाइल किया जाए। Now this is something very serious. First of all, rape is a very big word. Yeah. Now we need to be very careful when we talk about a case like this or even when we discuss about it. Now definitely only Mimo and the girl know what exactly happened yeah. between them. But हमारे पास जब ये केस हम सुनते हैं तो काफी questions यहाँ पर हम raise करना चाहेंगे कि एक तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि it looks like a relationship which went on for a long time but went sour because यहाँ पर एलिगेशन ये लगा है मीमो पर कि 4 साल तक उनका रेप हुआ है। ना दिस इज समथिंग रियली बिग। या आई मीन आई रियली डोंट अंडरस्टैंड इफ यू आर इन अ फिजिकल यू नो रिलेशनशिप विद समवन फॉर 4 इयर्स एंड बिकॉज आपका रिलेशनशिप एक खराब नोट पे खत्म हुआ है। ठीक है, बहुत सारी और भी चीजें बताई गई हैं दैट मिसकैरेज हो गया एंड मेनी अदर थिंग्स। आप उसे रेप कैसे बोल सकते हो? इट इज अ वेरी बिग वर्ड। यू नो जिन लोगों के साथ हुआ है सिर्फ उनको पता है कि कितना मेंटल ट्रॉमा होता है वो। सो यूजिंग दिस वर्ड आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस वर्ड। बट अगर एक्चुअली में ऐसा हुआ है और केस फाइल भी हुआ है इनके खिलाफ देन मीमो शुड बी यू नो चार्ज्ड। बट अगर ऐसा नहीं हुआ है देन आई फील दिस इज रॉन्ग। यू नो ये एक वर्ड छोटा सा है लेकिन उन्हें प्रॉमिस किया हो शादी। बट एक बड़ा सवाल ये है कि मीमो की शादी होने वाली थी जुलाई 7th को और अब क्यों और अचानक अब ये एलिगेशन लगे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल रेज होते हैं। आई एम श्योर द लॉ विल टेक इट्स कोर्स एंड द लॉ विल एक्चुअली गेट इन टू द डेप्थ ऑफ द स्टोरी। बट लाइक आई सेड there are so many questions that are unanswered and right now and I just now. want to request all the people ke you know aap apne dimag mein ek chhavi mat bana lo ki you know ladki ke sath galat hua hi hoga ye ladka aisa hi hai ya fir jab aap ek celebrity ya fir ya fir ye ladki jhoot bol rahi hai usko karne ke liye aisa koi abhi pehle se apne dimag mein kuch bana ke mat baitho because this is a very serious issue until and unless court se ek final verdict na aa jaye hum kisi ke bare mein keh nahi sakte ki exactly aisa hua hai ya nahi hua। we just hope that jiski bhi galti hai उसे जरूर जरूर सजा मिले एंड जस्टिस शुड बी डन। बट यू नो कुणाल, जब आप एक सेलिब्रिटी होते हो लाइक आई वाज ट्राइंग टू से कि यू आर ऑलवेज सीन फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव है ना, और आपको बहुत जल्दी जज किया जाता है। तो लाइक यू सेड यू नो होल्ड ऑन गाइज, लेट्स सी व्हाट द लॉ हैज टू से और इसका क्या वर्डिक्ट निकलता है। टिल देन ट्राई नॉट टू जज एनीबॉडी हियर।